बेटी महोत्सव सम्मान समारोह के नाम पर बिहार के विधायक, पूर्व कला संस्कृति मंत्री, महिला विधायक के अलावा गणमान्य लोग द्वारा उड़ाया गया बेटियों के सम्मानों का धज्जिया, मनोरंजन का साधन बना, नचाया गया रात भर बार बालिकाओं को। पूर्व कला संस्कृति मंत्री ने भी कमर में हाथ डालकर लगाते रहे ठुमके। ये घटना रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल के धावा गाँव की है, जहाँ हर साल की तरह इस साल भी बेटियों के सम्मान में बेटी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के लोरिया के विधायक, पूर्व कला संस्कृतिक मंत्री विनय बिहारी, केसरिया के महिला विधायक शालिनी मिश्रा, एलजेपी के नेता राजेंद्र सिंह के अलावा कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित थी। कार्यक्रम में बेटियों के सम्मान में उनकी रक्षा और कल्याण की बातें सभी लोगों के द्वारा लंबी लंबी बातें की गई, उसके साथ बेटियों को सम्मानित भी किया गया। लेकिन इसके बाद जो कार्यक्रम हुआ वो शर्मसार कर देने वाली थी। बार बालिकाओं द्वारा अश्लील नाच कराया गया, यही नहीं विधायक से पूर्व कला सांस्कृतिक मंत्री द्वारा बार बालिकाओं के साथ नाचते गाते देखा गया। एक तरफ सुबह की नीतीश सरकार महिला और बेटी की सम्मान की बात करती है और वहीं उनके मंत्री विधायक द्वारा बेटियों को मनोरंजन का साधन बनाकर उनके कमर में हाथ डालकर अश्लील नाच नाचा जाता है। इससे सरकार के महिला और बेटी के प्रति जो नीति है उस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। एक तरफ सरकार आम आदमी को कोरोना के नाम पर उसके हर कार्यक्रम पर पाबंदी लगा रखी है, कहीं डीजे जब्त करवाती है तो कहीं भीड़ भाड़ पर सख्ती बरतती है। सरकार को पहले अपने मंत्री विधायक पर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए।